हाय मित्रों, कैसे हैं सभी लोग? सभी ठीक ही होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज मेरे इस एपिसोड में मैं आपकी थोड़ी राय लेना चाहता हूँ। अगर जो आप सही राय देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सभी भाइयों से एक निवेदन है कि मैं आज जो ये बछड़ा देख रहे हो आप सभी, ये बछड़ा मैं बुल के लिए तैयार कर रहा हूँ। इसलिए आज सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि जो मैं बुल के लिए तैयार कर रहा हूँ ये बछड़ा, ये सही है या नहीं सही है, आप सभी की मुझे राय चाहिए। और आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना ये सही रहेगा, क्योंकि इसकी लाइन बहुत बढ़िया है। ये कुंडल लाइन से जुड़ा हुआ है, जो स्वामी जी है उसके कुंडल स्वामी मंदिर है, उस ब्लड लाइन से वहाँ का जो लीला था उसका यह बच्चा है। और उसकी माँ का भी दूध का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 8-9 लीटर टाइम का था, पर टाइम का। इसलिए मैंने इसे बुल तैयार करने के लिए इसे रखा है और बहुत शानदार होगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। इसीलिए आप सभी भाइयों से मेरा निवेदन कि आपको जो पसंद है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना भैया। और आप सभी से निवेदन है, मुझे प्लीज़ बताना है कैसा लग रहा है बछड़ा। मुझे तो बहुत पसंद है, इसीलिए मैं उसे बुल के लिए तैयार कर रहा हूँ। लेकिन आप सभी से निवेदन है कि आप भी मुझे ज़रा बताना भैया, ठीक है। और जो इसके पास ही उसकी सेम ही बच्ची है, ये लिली है हमारी, वो भी काफ़ी खूबसूरत है, आप देख रहे हैं। लेकिन इस बछड़े का मुझे प्लीज़ आप सभी भाइयों से निवेदन है कि मुझे बताना। बछड़ा भी काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन आप सभी से निवेदन है कि आप ज़रूर मुझे बताइए। आप देख रहे हो अभी तो 11 महीना का हुआ है, लेकिन बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद है। इसलिए आपसे राय रखता हूँ कि आप भी मुझे जो बताएंगे वो सही बताएंगे। करण जरा वाछड़ा ले लेता हम पटमा, और ये भी काफ़ी शानदार होगा बुल के लिए। ये भी हमारा कन्हैया का बेटा है, आप देख सकते हो उसकी जो हाइट बॉडी और उसका जो माथा का सिर है, बहुत मुझे पसंद है। बस अब मुकदन हुआ, अगली देख सकते हो आप। आओ पवन, आओ 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 आओ। अभी से इसका माथा कितना निकल गया है, आप देख सकते हो। सिर का जो बोलते हैं ना उल्टे माटला जैसा, ऐसा ही लग रहा है। इसलिए आप सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि ज़रूर मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना कि ये बुल के लिए सही रहेगा या नहीं। मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन आप सभी भाइयों से मेरी राय है कि आप मुझे ज़रूर बताना। अभी तो 11 महीना का हुआ है, 11 मंथ, लेकिन काफ़ी खूबसूरत है। देखो इसकी जो ये माथा सिर का जो भाग है ना, बहुत खूबसूरत है, देखते हो उल्टा माटला जैसा बोलते हैं हम लोग। और ये लिली भी काफ़ी खूबसूरत है, आप देखते हो। इस दोनों की जोड़ी है, दोनों साथ में ही रहते हैं। तो सभी गायों जो देखो आराम से बैठ गई है, अभी सुबह का टाइम था, मॉर्निंग का टाइम, सभी घूम घूम के अब उसी जो उसी इसी की जगह से सब बैठ गई है। देख लीजिए यहाँ से वहाँ तक पूरी बैठ गई है, और बच्चियाँ भी सामने सभी हैं। तो भैया आज के लिए इतना काफ़ी है, आप मुझे
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसा लग रहा है ये, ठीक है। बुल के लिए ये आप सभी को पसंद आए तो ज़रूर मुझे बताना। आप सभी भाइयों से मेरी राय है कि मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना कि ये सही रहेगा, क्योंकि जो मैं तैयार कर रहा हूँ वो हमारे गायों में ही क्रॉसिंग होगा और उसका रिजल्ट हमको ही मिलने वाला, इसलिए सही या नहीं सही आप सभी भाइयों से मेरी राय है, मुझे ज़रूर बताना। काफ़ी खूबसूरत मुझे तो लग रहा है, लेकिन आप ही सभी भाइयों को मेरा निवेदन है, जो आपको अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताना।